सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 13.1 एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 नंबर तक सम सारे सॉल्व किए थे. ओके आज हम 6 नंबर के सम से स्टार्ट करेंगे. सम थोड़े हार्ड है बच्चों इस एक्सरसाइज के. बाकी के जो एक्सरसाइज है उसके सम बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है और मजा आने वाला है. थोड़े से इस सम के अंदर ध्यान रखना जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो. तो 6 नंबर का सम आप जैसे रीड कर सकते हो, रीड करो बच्चों. क्या कहना चाहते हैं कि मेडिसिन कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है वो इस शेप की होती है, राइट, इस टाइप की कुछ सिलिंड्रिकल शेप है. टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, उसका जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है. लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज, ये पूरी की पूरी कैप्सूल है उसकी लेंथ. द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और उसका जो डायमीटर वो कितना है बच्चों, 5 mm. तो find the surface area. Find क्या करना है हमें? Surface area. देखो जब भी surface area पूछो ना, तो आपको जो area यहाँ से दिखा है, capsule आपके हाथ में हो, तो क्या क्या चीज दिखता है बोलो. चलो सर, curved surface. सभी सभी का curved surface area, क्योंकि उसका जो टॉप एंड बॉटम है वो तो ढक जाएगा, हाँ ना बोलो. Yes sir. ये आपका गोल्डन टिप है, गोल्डन सीक्रेट है कि जब आप, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट को, कहाँ होता है सर कर्व सरफेस एरिया फाइन करे, लेटरल करे, कौन सा ले कौन सा नहीं ले, हाँ कि ना, सच बोल. तो वो चीज उसका मैंने एक गोल्डन टिप्स क्या देगी, जब भी आपको पूछे भी खाली सरफेस एरिया, अब आपको ऐसे ही पूछेगी ऐसे कर्व और टोटल नहीं पूछेगी, तो आपको आंखें बंद करके उस चीज का एनिमेशन जो इमेजिनेशन करना है माइंड के अंदर, और आप देखोगे उसको गोल गोल घुमाओगे. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं वो 3D एनिमेटेड समझाया था आपको कि भाई गोल गोल घुमाने से क्या क्या दे, ऐसे अपने माइंड के अंदर उसको जनरेट करो, पिक्चर्स जनरेट करो बच्चों. ओके ये पिक्चर्स जनरेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा एरिया हमें लेना है. तो आप देखोगे तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया दिखेगा आपको, ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया बोलोगे टॉप एंड बॉटम, तो ये ढक जाएगी, ये भाग आपको दिखने वाला नहीं है. समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. हमें सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया इस कौन का, सॉरी हाँ हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का Cylinder. और एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 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 का फॉर्मूला क्या है, 2πRh. जल्दी नहीं करनी ये चीज जो मैंने की ना, वो एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है. पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना. सेकेंड स्टेप फॉर्मूला डालना है. ओके जल्दी उतावल में ऐसा नहीं कुछ कर देना कि भी डाल दिया फॉर्मूला आ रहा है, तो शांति से देखो अब इसके अंदर से डेटा कलेक्ट करने का ट्राई करो. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है. तो बच्चों इस हेमिस्फीयर का ये जो भाग है वो डायमीटर हुआ, हाँ कि ना? Yes, sir. डायमीटर 5 है बच्चों, तो रेडियस कितना होगा, 2.5 mm के अंदर है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है. अब कॉमन सेंस है कि हेमिस्फीयर किसके ऊपर है बच्चों, सिलेंडर के ऊपर, तो ये जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही इस सिलेंडर का होगा 2.5, हाँ ना बोलो. यस सर. यस सर. ओके अब इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें रेडियस जो तो मिल गया, अब हमें ये जो सिलेंडर की हाइट लेनी है वो कितनी लेनी है. तो कॉमन सेंस है बच्चों रेडियस 2.5, तो ये जो भाग है वो 2.5 होगा, नहीं जो भाग है वो 2.5 होगा, तो दोनों साइड से 2.5 माइनस कर दो, तो जो बीच वाला भाग है वो कितना बचेगा, तो टोटल 14, उसमें से ये 2.5 माइनस कर देंगे. तो हेमिस्फीयर सिलेंडर का जो हाइट फाइंड करना है वो टोटल 14 mm था, उसमें से ये 2.5 दो टाइम माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 9. एनी डाउट्स बच्चों? नो सर. का? Yes, sir. अब ये हमें डेटा मिल, पहला काम ये करना है, कभी भी ना जल्दी में फॉर्मूला मत डाल दो. अब
ये भी ध्यान रखना है कि क्या जरूरी तो है नहीं कि यहाँ रेडियस ये और यहाँ रेडियस हर बार सेम आए, यहाँ अलग हो सकता है, जब अलग हो तो क्या करना है, यहाँ आर वन, यहाँ आर टू, यहाँ एच वन, यहाँ एच टू, समझ में आया? तो डेटा में थोड़ा इजी रहेगा, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अभी नो डाउट यहाँ दोनों में रेडियस सेम, इसलिए मैं आर वन आर टू का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हैबिट याद रखना कि एग्जाम में ना लोचे मार क्या वो। बच्चों दोनों में से मैं टू पाई और आर कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ ना बोलो? तो यहाँ ये टू बचा, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर गया तो एक आर बचा, प्लस टू पाई आर बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एच। नाउ जस्ट पुट द ऑल द वैल्यू इन द डेटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5। अब देखो यहाँ सारे डेटा एमएम के अंदर, सारा डेटा एमएम के अंदर, तो हम जो आंसर लिखेंगे वो भी एमएम स्क्वायर आएगा, समझ में आ गया ना ये? Yes, sir. 2 into r, r की वैल्यू 2.5 प्लस h कितना है 9, तो सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर मिलेगा सरफेस एरिया का mm स्क्वायर के अंदर, ये खुद कर लेना कि कटिंग कराओ, चलो एक करा देता हूँ आपको, बाद में ऐसा ना हो कि कटिंग करना भूल जाओ। आप चाहो तो यहाँ 314 भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, 2.5 टू जा 5, 5 और 9 कितना होगा बच्चों, 14, 7 2 जा 14 होगा, हाँ कि ना? Yes. 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 2 20 2 44, 44 into 5 कितना होगा? Yes sir. क्या yes sir? आंसर बोलना है. 220. Yes sir. चलो नींद में है? क्रियांशी थी, खेवना कौन थी? कोई और था? अब इतने सारे स्टूडेंट में पता नहीं चल रहा कौन है, ऐसे तो मैं मेरे स्टूडेंट की आवाज पहचान ही लेता हूँ। ओके, थोड़े दिन पहले ना स्टूडेंट्स ने फोन किया मुझे कि सर मेरी मम्मी को बुखार है तो मैं पेपर देने आ जाऊँ, यानी कि पेपर लेने आ जाऊँ, जो पेपर होते हैं ना टेंथ वालों का, तो पेरेंट्स को बुलाते हैं। ओके, अब मुझे तो पता ही था मेरे स्टूडेंट है तो मैं तो जानता ही, उसके एक बार आवाज सुन ली तो भी पता चल जाता है, राइट? ओके, बाद में लिया ली, दोनों गर्ल्स थी। ओके, बाद में ली बराबर की मेहनत, बाद में जिंदगी में कभी भी ऐसे सोचेगी नहीं कैसे रॉन्ग झूठ बोलने का। तो चलो ये सम समझ में आ गया बच्चों सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार वो रिकॉलिंग कर लेते हैं, राइट? फिर यहाँ हमें कैप्सूल दी है, कैप्सूल का ये हेमिस्फेरिकल भाग है दोनों। ओके, इस हेमिस्फेरिकल भाग और बीच में है सिलेंडर, दोनों का सरफेस एरिया काउ सरफेस एरिया का एडिशन कर देना है। जो डेटा दिया वो उसमें ये 1.5, ये 2.5 था, ये 2.5 था, थोड़ा आपको आई थिंक थोड़ा दिखने में दिक्कत होगी मोबाइल्स होगा तो। ओके, 2.5 2. टोटल थी 14, तो 14 माइनस कर दी तो क्या आया आपको ये 9 mm मिला डेटा, हाइट 9 mm और रेडियस यहाँ मिल गया, यहाँ रेडियस मिल गया, और डेल्टा इसके अंदर डाल दो तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर ना बच्चों? Yes, sir. Seven number. हाँ बोलो। तो जो first question था उसके जैसे करके फिर double कर दे तो भी ऐसे ही होगा ना? इसके अंदर double करना यानी कि? The first ये capsule है पर अबे उसको first question था ना cylinder और hemisphere वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो double किया ना बेटा हमने यहाँ। हाँ तो वही बोल रही हूँ कि उसको वैसे एक साइड का निकाल के डबल कर दे तो भी हो जाएगा। हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, एक साइड का करके डबल निकाल लिया हमने, इसलिए तो टू तो निकाले थे ना यहाँ। ओके, बीच में तो एक ही सिलेंडर है, जो हेमिस्फीयर वो दो है, तो यहाँ टू कर दिया हमने, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही बता रही थी ना, तो कुछ और था? नहीं। ओके चलो, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, टेंट है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का, उसके ऊपर है कॉन, कॉनिकल टॉप ये। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, जो हाइट है एंड डायमीटर है सिलिंड्रिकल पार्ट का, तो हाइट कितनी दी है 2.1 और डायमीटर है 4, तो सिलेंडर जो दिया हुआ है बच्चों उसकी हाइट हमें मिल गई डायरेक्टली 2.1 और ये डायमीटर है 4, तो रेडियस कितना होगा? डेटा देखो सारे मीटर के अंदर है, राइट? सारे डेटा मीटर के अंदर है,
ओके नाउ बैक टू द टॉपिक, फिगर के ऊपर आ जाते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो टॉप है उसकी स्लेंट हाइट आपको 2.8 दी है, कितनी दी है? स्लेंट हाइट यानी ये वाली हाइट। ओके अब यहाँ मुझे रेडियस नहीं दिया है इस कॉन के अंदर, कोई बता सकता है मैं क्या करूं? कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए। अब बच्चों टेंट बनाना है तो कॉमन से यहाँ तो कुछ रखेंगे नहीं, ना तो नीचे कुछ रखेंगे, समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट क्या सोचेंगे पता है कि सर यहाँ आर और एल नहीं है, एच कर निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी में ना वो काफी और कॉन्फिडेंस में आ जाता है। आर बोलो एच कर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन ये क्यों निकाल रहे हम, हाइट की क्या जरूरत पड़ेगी? पहले देखो तो सही, जरूरत पड़े तो निकाल ले, समझ में आ रहा है हाँ कि ना? हमें जो एरिया फाइंड करना है कैनवास का, ओके एग्जाम में ये तो ध्यान रखना है कि हम फालतू की चीज ना सोल्व कर ले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, सिलेंडर का 2πRh और कॉन का कहाँ जरूरत है बच्चों एच की? है जरूरत, सोचो, चलो थी जरूरत एच की? नो सर। यदि यदि ये फाइन किया होता तो इतना टाइम आपका वेस्ट होता हाँ कि ना, सच बताओ? यस सर। बस ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में ये गलती ना हो आपसे। सर स्लेंट हाइट 2.8 दी है, सॉरी स्लेंट हाइट कितनी दी है? 2.8। तो ये ध्यान रखना है बच्चों एग्जाम के अंदर कि फालतू की चीज ना सोल्व हो जाए आपसे। ओके अब ध्यान रखो डेटा से, तो 2πr, अब देखो रेडियस सेम है दोनों में, रेडी? तो हम क्या ऐड करेंगे? πr कॉमन निकाल लेते हैं। चाहो तो वैसे अंदर भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन कॉमन निकालने का फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन में टाइम बच जाता है हमारा। मैथ सीखे हो तो उसका यूज करो। 2 × h और l 2.1। अब ये बच्चों सॉल्व कर लेने, बहुत इजी है, कर लोगे? अब हमें क्वेश्चन आगे बढ़े, यदि एक तो फाइन हो गया एरिया ऑफ कैनवास फर्स्ट नंबर का, अब सेकंड नंबर में आपको पूछा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, कॉस्ट फाइन करना है बच्चों, तो क्या करेंगे कॉस्ट फाइन करने में? ये जो एरिया मिला मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि अब ये भी ध्यान रखो ये मीटर स्क्वायर में है ना, हाँ ये डेटा मीटर स्क्वायर में था तो आंसर रुपीस में आएगा बाद में। चलो सम में कोई डाउट बच्चों? इजी सम था। आपको ये पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ कौन सा एरिया डालना है, कॉमन सेंस यूज करना है। टेंट है तो कॉमन, यहाँ पैक तो होगा नहीं, यहाँ पैक होगा अंदर कैसे घुसोगे? समझ में आया कि नहीं? यहाँ से यदि मैं पैक कर दूं अंदर कैसे घुसोगा, तो नीचे तो खाली होगा टेंट, और ये भी नहीं जरूरत होती टेंट के अंदर, ओके क्योंकि हमें एरिया बढ़ाना होता है अंदर का, इसलिए। चलो सर हाँ बोलो। 44 मीटर स्क्वायर आंसर। ओ 44 इसका? मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रुपीज में क्यों आता है, मतलब कैसे? ओके अब ये जो दिया है ना रुपीज 500, वो खाली 500 रुपीज नहीं है, 500 पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा जूम करेंगे तो देखिएगा ये, देखा यहाँ क्वेश्चन में 500 पर मीटर स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। अब समझ में आया? Yes. इसलिए आंसर रुपीस में आया। ओके अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि 500 पर मीटर स्क्वायर यानी कि एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? Yes, sir, cross multiplication, 500. हाँ, तो हमारे पास जो एरिया है वो 44 मीटर स्क्वायर है, तो वो कितना होगा? तो ये रुपीस में तो रुपीस में आएगा और ये एरिया है मीटर स्क्वायर। अब समझ में आ गया? Yes, sir, direct. गुड चलो ओके ऐसे कुछ भी डाउट लगे तो पूछ लेना, माइंड में डाउट जितने रखोगे ना उतने आपको कॉन्सेप्ट वीक रहेगा जिंदगी में। अब काफी सारी चीज आपको ऑलरेडी
ऐसा लगेगा यार चलेगा चलो कि ये मैं पूछूंगी तो या पूछूंगा तो यार दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ओके यदि ऐसे सोचने बैठे ना तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं होता, और यदि ऐसे सोचने बैठे तो आज एलन मस्क जो है ना, एलन मस्क वो आज दुनिया का टॉप 10 बिलियनर नहीं होता। ओके और ऐसा सोचने बैठे कि दुनिया क्या कहेगी, तो आज आपके सामने जो सर पढ़ा रहा है ना वो कोई कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते। ओके समझ में आया कि नहीं बच्चों, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब कर रहे होते यदि दुनिया क्या सोचेगी वो दिख लिया होता तो। ओके तो बाढ़ में गए सारे लोग, हम अपना सेल्फिशनेस दाग गए। ओके हमें पता है कि हमें क्या करना है, दूसरों को थोड़ा पता होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8, सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.8, एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चों जिसकी हाइट कितनी है 2.4, उस हाइट इज 2.4, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। अंदर थोड़े में ज्यादा बना दिया, हाँ सिलेंडर बड़ा बना दिया इतना ज्यादा। ये हाइट दी है 2.4 और डायमीटर है 1.4। कॉनिकल केविटी, कॉनिकल केविटी यानी ये एकदम रिजिड था, उसमें से मैंने क्या किया इतना जो कॉन था वो बाहर निकाले आउट, यानी कि ये खाली हो गया। अब समझ में आया बच्चों, मिट्टी पड़ी हो ऐसे मिट्टी उसके अंदर कौन जो है उसको दुबा के उतना इतना मिट्टी बाहर निकालो तो ऐसे हो जाएगा। यस 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 सर, लेकिन यहाँ एकदम एंड तक खींच लेना है, और तो ऐसे कुछ फिगर बन गई। अब समझ में आ गया फिगर कैसे बन, ये खाली सिलेंडर जैसा कुछ फील हो ना इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ होता नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बोलो बच्चों क्या करूं सर, दो ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल नहीं है, अरे कौन, सॉरी सर कौन भी नहीं है, कौन ये कौन सर, भी नहीं, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन माइनस कहां से आएगा। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको आंखें बंद करना है, उस चीज को इमेजिनेशन करना है, कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा सरफेस, कौन कौन सा फेस आपको दिख रहा है। क्या ये बच्चों इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, यस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बाद में माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, अभी भी एक कुछ बचेगा नीचे का जो बेस है वो सर, वो सर्कल, सर्कल का एरिया बायस। अब समझ में आया, देखो ये सिलेंडर का ये भाग दिखेगा आपको, हाँ कि ना आपको ये टॉपिक है ना उसको 3D में देखना है बच्चों, ये भाग दिखेगा आपको सिलेंडर का तो कौन सा पे, दूसरा क्या भाग दिखेगा, ये भाग अब नया जो पहले ढक गया था यहाँ ऐसा था कुछ, ऊपर से देखो तो कुछ नहीं दिख रहा था, अब हमने ये बाहर निकाल लिया जिसकी वजह से ये भाग भी अब दिखने लगेगा। ये क्या है एक्चुअली, कौन तो है ये भाग, क्या है कौन है, तो कौन दिखने लगा, जो चीज आपको दिखने लगती है वो सारा सरफेस एरिया है, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल लिया तो कम हो जाएगा एरिया बढ़ गया। देखो ऐसे सोचो, सोचो देखो एक काम करो ऐसे सोचो, चलो ये सिलेंडर है आपको इसको बोल दे इसको कलर करना है तो कहाँ करोगे आप, ये भाग में बेस में टॉप में और ये भाग में, हाँ कि ना, आप चाहो तो भी दूसरे कोई भाग में कलर कर सकते हो। No, sir. अब मैंने ये जो है ना ये जो सिलेंडर था उसमें थोड़ा होल यहाँ की ऐसा बना दिया, कट कर दिया सिलेंडर को अंदर से, इतना भाग बाहर निकाल लिया, अब यहाँ भी कलर करना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्योंकि वो ओपन हो, अब ये भाग ओपन हो गए तो ये भाग को भी कलर कर, ऐसे थोड़ा रहेगा बाहर बाहर से करोगे अंदर नहीं करोगे, तो पहले तो आप अंदर नहीं कर सकते थे, अब ये सरफेस एरिया खुल गया तो हमें ऐड करना है। अब पता चला ऐड क्यों करते हैं हम, निकालने के बावजूद भी ऐड क्यों करते हैं सरफेस एरिया, क्योंकि वो एरिया अब नए जो सॉलिड है उसमें बढ़ गया, ये जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा, अब ये बात
और वो कैसा है, कोई ट्राइंगल नहीं, ये आप 3D में एनिमेट करो तो ये क्या है, एक्चुअली एक कॉन है। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। एनी डाउट्स सर? हाँ बोलो सर। नीचे का कहाँ से लिया? नीचे का लिया है ना, टोटल सरफेस एरिया पूछा है हमें। बट सर नीचे का दिखेगा नहीं? दिखेगा ना, उसको ओपन करो खुद। यहाँ क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। ये जो सॉलिड बचा, अब इसका जो भी सरफेस एरिया, भले आप उसको ऊपर कर सकते हो ना सिलेंडर को उठा के, नहीं दिखेगा ये हवा में, समझो। अब ये हवा में तो नहीं दिखेगा उसको। समझ में आया कि नहीं? Yes. तो सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, 2πRh, कौन का πRL, सर्कल का πR2। बोलो समझ में आ गया पहली चीज तो सभी सभी को, पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2h प्लस l प्लस r। डेटा डाल दो। चलो डायमीटर आपको 1.4 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा बच्चों? रेडियस कितना होगा? 1.4 है तो 0.7। अब ये रेडियस इस कॉन का भी है और इस सिलेंडर का भी है, बोथ, हाँ कि ना? Yes. ओके, तो रेडियस तो समझ में आ गया। अब ये हाइट डाल दी है इस सिलेंडर की, तो वो आपको दी है h 2.4। रेडियस 0.7, 2 इनटू हाइट h 2.4। स्लेंट हाइट कितनी है इसकी नहीं पता सर, फाइंड करनी पड़ेगी। यस, फाइंड करनी पड़ेगी। l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r है 0.7 और h है, इसका है h कितना है जी, सिलेंडर का, सिलेंडर का है वही इसका होगा। यस सर। यस, आंसर 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5। अब बोलोगे सर द ग्रेट, ओके, ऐसा नहीं है, मैंने कोई रट्टा नहीं मारा हुआ है, ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस की। जब भी पाइथागोरस में, सॉरी पाइथागोरस के ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हाइपोटेनियस 25 हो तो बाकी यदि साइड 7 24 हो तो एक ट्रिपलेट बन जाती है। जब भी दो दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक यही होता है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। समझ में आया? ये पॉइंट में था तो मैंने पॉइंट में डाल दिया। बोलो बच्चों क्लियर है? आना बोलो। यस सर। यस सर। बहुत सारी ट्रिपलेट है, होमवर्क के अंदर आपको ट्रिपलेट ढूंढ के मुझे भेजनी है, यानी कि जब ये होमवर्क करो तो नीचे साइड में डाल देना है पाइथागोरस ट्रिपलेट। खुद से सोचो जितने भी हो सके टेक्स्ट बुक में से, जितने भी हो सके उतने। ओके, जैसे कि 12, 13 और 5 है, 7, 24, 25 है। समझ में आया? ये सारी ट्रिपलेट है, इसका आप करो तो ये ऑटोमेटिकली पाइथागोरस को क्या होता है ये, अरे याद नहीं है बच्चों, 2am m square minus 1 m square minus plus 1, लोअर स्टैंडर्ड 8 या 7 स्टैंडर्ड में आया हुआ जो टॉपिक पाइथागोरस ट्रिपलेट। आया याद ये टॉपिक? नहीं सर। यस सर। हमें अभी ये 9th का भी याद नहीं है सर, 7th 8th का कहां से याद रखेंगे। चलो L कितना मिला? 2.5 और रेडियस कितना है? 0.7। सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। एनी डाउट बच्चों? कोई डाउट है किसी को? No, पक्का ना? No, okay. अब समझ में आया ना, एड एरिया एड क्यों करते हम सर? अगर इधर टोटल सरफेस एरिया की जगह पे सिर्फ सरफेस एरिया दिया होता तो भी टोटल ही लेना है। हाँ, तो भी टोटल लेना है, क्योंकि जब क्लियर नहीं दिया हुआ है तो हम सब कुछ ही मानेंगे। यदि यहाँ कर्व सरफेस एरिया, अब देखो जब भी इस टाइप के दो या दो से ज्यादा टाइप के शेप वाले जो सम हो गया ना, उसमें सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले एक ही लेना है। वो 9th स्टैंडर्ड में ही था कि जिसके अंदर क्या होता टोटल और कर्व का कॉन्सेप्ट आता था अलग अलग। 10th के अंदर अब टोटल और कर्व देगी नहीं आपको, जो दिख रहे हो सब कुछ ले लेना है, टोटली ले लेना है। समझ में आया? ओके सर। ओके चलो। और सर अगर कर्व हो तो फिर हमको सिर्फ बार का सिलेंडर तो का बेस, हाँ तो बेस का नहीं लेना है हमें। ओके, तो बेस का नहीं लेना है, ऐसे एग्जाम में कर्व सरफेस पूछेगी भी नहीं आपको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का लेक्चर का नहीं, ये लास्ट है।
बाकी सारे जितने भी सम है ना टेक्स्ट बुक के अंदर वो सारे इजी है बच्चों। हाँ ये एक ही आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी टफ है कंपेयर टू अदर एक्सरसाइज। चलो बाकी एक्सरसाइज में तो आपको मजा आएगा सम सॉल्व करने में। इसमें क्या है आपको 3D एनिमेशन थोड़ा करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन है वुडन आर्टिकल्स वॉज मेड बाई द स्कूपिंग ऑफ द हेमिस्फीयर। ऐसे सिलेंडर था बाद में यहाँ इतना भाग निकाल लिया। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, हाइट कितनी दी है 10, और रेडियस है 3.5. ये जो हेमिस्फीयर बाहर निकाला उसका रेडियस भी सेम ही होगा 3.5। यस सर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। टोटल सरफेस एरिया बोलो, देखो कौन कौन सा भाग दिखेगा टोटल सरफेस, यानी कि ये भाग दिखेगा बाहर निकाल लिया तो माइनस होगा, माइनस नहीं होता, पहले तो बैक था सब कुछ नहीं दिख रहा था अंदर का भाग, वो तो आपने ओपन कर दिया तो इसलिए दिखना लगा। आप कलर करना हो तो यहाँ भी कर सकते हो ना, आप यहाँ भी कर सकते हो, ये जो ब्लैक कलर का भाग दिखा वो आपको दिखने वाला है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जिसके अंदर कौन कौन सी चीज आएगी, एक तो कहो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इनटू कहो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कहो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, 2 इनटू कहो सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πR2, 2πR कॉमन, 2πR कॉमन h, 2 into r square में से r बाहर गया तो एक r बचा। बोलो हाँ ना बोलो। Yes sir. Yes sir. R की जगह 3.5, h की जगह 10, r की जगह 3.5। सॉल्व कर लोगे? Yes sir. Yes. Yes. तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी 13.1. Yes. ओके चलो रीजॉइन कर लो, 13.2 स्टार्ट करते, जल्दी से करना।